मैं बैठे बैठे अभी ऑफिस का काम कर रहा था तो अपने बस मेरे माइंड में एक चीज़ क्लिक किया कि यार आप लोगों को मई चौबीस के एग्ज़ाम्स के लिए रोकता कौन है मैं सबसे ज़्यादा ये चीज़ मेरे पास क्वेश्चंस में आई है कि सर हम पढ़ते पढ़ते पता क्या होते हैं सर पता नहीं किस ख्यालों में सोच खो जाते हैं तो हमारा जो स्टडी मतलब जो स्टडी का सेटिंग सिटिंग टाइम है ना सर वो नहीं निकलता है प्रॉपर तरीके से और फिर मई तो चौबीस के एग्जाम्स को क्लियर करना है तो वन स्टेटमेंट फॉर मे ट्वेंटी फोर एग्जाम्स कि जब भी अपना सिटिंग टाइम जब भी अपने एग्जाम्स मतलब प्रिपरेशन करो अपने पास टेबल पे प्रिपरेशन करोगे तो ऑन टेबल जब आप प्रिपरेशन करोगे कभी बैड पर बैठ के कभी स्टडी मत करना टेबल पे बैठ करके राइट right, अपनी चेयर पे, टेबल पर अपना बुक्स वगैरह रख के अपने माइंड में बस एक चीज़ रखना जब भी माइंड टायर्ड हो जाए या ऑफ कोर्स, अपने पास माइंड में कुछ ओवर थिंकिंग चलने लग जाए कि यार पता नहीं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो बस एक चीज़ अपने माइंड में रखना कि दैट जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ आई कैन डू इट और आई कैन 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 ये दो ये दो चीजें अगर आप माइंड में चलाते रहोगे ना मैं डेफिनेटली दे रहा हूं फेलियर से सक्सेस की तरफ आप बढ़ जाओगे फेल होते होते पास हो जाता है स्टूडेंट्स बस ये चीज दो वर्ड अपने पास माइंड में रखना कि जब भी अपने पास पढ़ने बैठो तो बस ये दो माइंड में ये चीज चलते रहना है कि जब भी ओवर थिंकिंग या कुछ निगेटिव माइंड में आए तो यस आई कैन आई कैन डू इट आई कैन आई कैन डू इट वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक और चीज बताता हूं मई एग्जाम्स के लिए भी आपको एक जल्दी से जल्दी असैप इंफॉर्मेशन दूंगा राइट कि एग्जाम्स का क्या सिचुएशन चल रहा है इलेक्शन का कुछ इंफॉर्मेशन आने वाला है तो मैं बता दूंगा आपको ठीक है चलो टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक थैंक फॉर वॉर्चिंग ऑफ